सिर्फ बिहार से हम जीके को आज जानते हैं। इसमें सिर्फ बिहार से ही सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। जैसे पहला प्रश्न है, बिहार की सही स्थिति प्रकट करने वाला कौन सा जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 360 किलोमीटर, 361 किलोमीटर, 362 किलोमीटर, 364 किलोमीटर। इसका सही उत्तर, सही जवाब है 360 किलोमीटर। बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 345, 484, 485, 486। सही उत्तर इसका है 345। बिहार राज्य का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? सही उत्तर है इसका बी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न अगला, बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173, 153, 176। सही उत्तर इसका है 53 मीटर। प्रश्न अगला, बिहार राज्य की सीमा से निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा। बिहार राज्य का विस्तार निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक अधिक है? शिवालिक की तराई, उत्तर गंगा के मैदान में, दक्षिण गंगा के मैदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका है बी, उत्तरी गंगा मैदान। अगला क्वेश्चन है, गंगा के उत्तर मैदान में बालू और काप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? चौरा, दियरा, खादर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दियरा। आज सिर्फ हम बिहार से प्रश्न लाए हैं, इन्हें आप देखें। प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग की शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? इयोसीन काल में, ओलिगोस काल में, मध्य मायोसिस काल में, प्लिस्टोसिन काल में। सही उत्तर इसका है प्लिस्टोसिन काल में। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती हैं? गया, पश्चिम चंपारण, बांका, सीतामढ़ी। सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। प्रश्न अगला, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर बिहार का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर 2.86% पर। प्रश्न अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत के कौन सा स्थान रखता है? तो इसका सही उत्तर है बारहवां। प्रश्न अगला, बिहार के किस जिले में निश्चित एवं क्वार्टरजाइट कायंत्रित चट्टानों अधिक पाई जाती है? गया, मुंगेर, शेखपुरा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार
बिहार के किस जिले में विंध्य समूह की शैली अधिक पाई जाती है? कैमूर, गया, बक्सर, बांका। सही उत्तर इसका हो जाएगा कैमूर। बिहार की कैमूर क्रम की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में अधिक पाई जाती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कैमूर। प्रश्न अगला, बिहार राज्य में सर्वाधिक ऊंचा स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? हिमालय के पर्वतीय भाग में, दक्षिण श्रेणी के निम्न पठारी भाग में, गंगा का मैदान भाग में, दक्षिण की सीमावर्ती पहाड़ियों में। सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, दक्षिण पर्वतीय भाग में। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से बिहार का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? संतपुर, गृधकुट पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, बराबर पहाड़ी। सही उत्तर इसका हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी। बिहार की सीमाओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर इसका हो जाएगा झारखंड। झारखंड गलत। मध्य प्रदेश। प्रश्न अगला है, उत्तर गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? गिरिए की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी। सही उत्तर है सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? चार ऑप्शन है, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। प्रश्न अगला, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर और पूर्व भाग में। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर फल्गु नदी बहती है? चार ऑप्शन में सही उत्तर होगा जहानाबाद। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिम चंपारण, किशनगंज। सही उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सबसे कम है? सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया। सही उत्तर हो जाएगा सुपौल। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग वन पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा 7.1%। वर्तमान बिहार में कितने भाग पर वन का विस्तार है? सही उत्तर बी, 6,764.14 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न अगला है, बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चार ऑप्शन है, चार में करैल, कैवाल मिट्टी सही उत्तर है।
बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? चार ऑप्शन में सही उत्तर, गंगा का उत्तरी मैदान। क्वेश्चन अगला है 29 नंबर में, बिहार के किस जिले में कांप मिट्टी पाई जाती है? सही उत्तर भागलपुर। बिहार के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सही उत्तर कैमूर जिला। बिहार के किस जिले में अभ्रक मिट्टी की प्रधानता है? चार अवसर हैं, चार जिलों का नाम, चार जिलों में सही जिला है नवादा जिला। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? चार ऑप्शन लगाए गए हैं, चार ऑप्शन में सही उत्तर बलथर मिट्टी। प्रश्न अगला, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुराने जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? चार ऑप्शन है, चार में सही उत्तर करेल केवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न अगला, बिहार के किस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक और जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है? चार ऑप्शन है, चार मिट्टियों के नाम है, उनमें सही मिट्टी है लाल मिट्टी। बिहार के किस जिले में तापमान सर्वाधिक अधिक रहता है? चार जिलों का नाम है, चार जिलों में सही उत्तर है गया का तापमान हमेशा अधिक रहता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? चार ऑप्शन है, इन चारों जिलों में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी यह है। बिहार के किस जिले में पर्वत प्रदीपीय मिट्टी पाई जाती है? चार जिलों का नाम है, इसमें सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है? चार जिलों का नाम है, चारों जिलों में सही ऑप्शन है सी किशनगंज। बिहार में मानसून कब लौटता है? चारों महीनों का नाम है, चार महीने में लौटने वाला मानसून का लौटने वाला महीना है मध्य अक्टूबर में लौट जाता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सही उत्तर है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। 40 प्रश्न बिहार से है सिर्फ,